हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से जैम कैम यूट्यूब चैनल पे और पढ़ रहे ऐप दोनों पे स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई, आप सभी को गुड आफ्टरनून। और कल हम कार्बोकोटाइन की बात कर रहे थे। कार्बोकोटाइन में कल हमने 1-2 शिफ्टिंग के बारे में देखा था। सबसे पहली क्लास में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन के बारे में देख लिया था, और इस क्लास जो लास्ट क्लास थी हमने वहां पे 1-2 शिफ्टिंग के बारे में देखा था। और मैंने आपको 1-2 शिफ्टिंग के बारे में काफी अच्छे से चीजें क्लियर कर दी थी, समझा दी थी। ठीक है, तो 1-2 शिफ्टिंग की अगर बात करें तो मैंने हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ाया, मिथाइल शिफ्ट पढ़ाया, फिनाइल शिफ्ट पढ़ाया, फिर मैंने शिफ्टिंग का ऑर्डर बताया। तो कल मैं आपका जो मैसेज देख रहा था आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, आप कन्फ्यूज हो रहे थे। देखो, माइग्रेशन ऑर्डर अलग है और आपका जो 1-2 शिफ्टिंग का जो ऑर्डर होता है वो अलग है, तो आप उनको एक दूसरे से रिलेट ना करें, ठीक है ना। कल कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था, तो माइग्रेशन ऑर्डर एक डिफरेंट थिंग है। वो इरिवर्सिबल टाइप के रिएक्शन जो है वहां पे हम देखेंगे, और वहां पे आपको वो देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर देखनी होती है, ठीक है ना। तो ये वाली बातें थी भाई, कल थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे थे तो मैंने सोचा एक बार उसको भी बता दूं थोड़ा सा। तो भाई चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास थोड़ी सी डिले हुई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, अभी भी है थोड़ी थोड़ी। तो चलो कोई बात नहीं, तो हम बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन की बात करते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून, वेलकम सभी। तो रिंग एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जैम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और भी बहुत सारे एमएससी एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो रिंग एक्सपेंशन क्या होता है और क्यों जरूरत पड़ती है? तो पहली बात तो यही है कि रिंग एक्सपेंशन इज एन स्पेशल टाइप ऑफ 1-2 शिफ्टिंग। सर कल का लास्ट वाला प्रॉब्लम फिर से एक्सप्लेन करना, थोड़ा डाउट है। बताया मैंने अंकित, आपको बताया मैंने कि भाई वो आपको देखो जो पर्टिकुलर रिएक्शन आएगी, जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन आएगी, वहां पे आपको माइग्रेटरिंग ऑर्डर देखना है। वहां पे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसका माइग्रेशन आपको करवाना है, ठीक है, पिनाकोल में। अगर वैसे कभी पूछे कि किसका, अगर नॉर्मल है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं गिवन आपको, अगर फिर आपसे पूछे कि किसका माइग्रेशन करवाएंगे, तो फिर आपको वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन वाला फंडा देखना है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की अलग बात है, अगर वैसे पूछे तो अलग बात है, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन पहली बात तो 1-2 शिफ्ट ही होता है। तो किस किस मेंबर का, सर एक एग्जाम्पल था उसमें फिनाइल को क्यों किया शिफ्ट, वो माइनस आई दिखाता है ना। अरे प्रिया, माइनस आई नहीं, वहां पे मैंने इसलिए किया था कि उसका जो कार्बोकोटाइन है वो आपका जो फिनाइल रिंग है उसके पाई बॉन्ड से ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए मैंने वहां पे वो वाला कहा था कि फिनाइल शिफ्ट करवानी होती है एज कंपेयर टू आपका अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। अल्काइल शिफ्ट के रिस्पेक्ट में, यानी माइग्रेशन बोलो उसका, बेसिकली माइग्रेशन किसका करवाते हैं, फिनाइल का करवाते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर फिनाइल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। कुछ जगह ये चेंज भी होगा बाद में जाके, तो उसको बाद में देखेंगे। तो रिंग एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं भाई फटाफट से। तो रिंग एक्सपेंशन क्यों करवाते हैं भाई? देखो, अगर आप एंगल स्ट्रेन थ्योरी या फिर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है रिंग्स का, वो क्या होता है भाई? स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लो भाई, आप सभी को पता है कि एंगल स्ट्रेन थ्योरी, और काफी पॉइंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो भाई 3 मेंबर की रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है 4 मेंबर की रिंग, 4 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर की रिंग, और 5 मेंबर से भी ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर की रिंग, और 6 मेंबर से 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 7 मेंबर रिंग, ठीक है। तो एज कंपेयर टू 7 मेंबर रिंग की अगर आप बात करोगे, 7 मेंबर रिंग की अगर आप बात करोगे, तो इससे ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर की रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4-3 वाली 4 में जा सकती है, लेकिन कुछ नॉर्मल कंडीशन पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसको, मैं एक्सप्लेन करता हूं भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 4 मेंबर इजिली कन्वर्ट होगी। सबसे ज्यादा जो आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे वो यही देखने को मिलेंगे कि 4 मेंबर का एक्सपेंशन हो रहा 5 मेंबर में, या फिर 5 मेंबर का एक्सपेंशन होता है 6 मेंबर में। और कुछ कंडीशन में सर, एक क्लासिकल कार्बोकोटाइन और एक नॉन क्लासिकल कार्बोकोटाइन है, स्ट्रक्चर लगभग सेम है, तो स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए भाई, अगर नॉन क्लासिकल है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लासिकल से, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉन क्लासिकल में जो चार्ज वो ज्यादा डिस्पर्स होता था, ये वाली बातें, ठीक है। कैसे, क्या कैसे रमेश, क्या कैसे पूछ रहे हो भाई, ये बताओ ना, क्या कैसे?
ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 6 मेंबर की रिंग 7 मेंबर की रिंग में नॉर्मल कंडीशन पे कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पे आपका 6 मेंबर की रिंग भी एक्सपेंड हो जाती है 7 मेंबर की रिंग में, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे इन जनरल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट कॉमन आपको यही देखने को मिलेगी कि 4 मेंबर की रिंग एक्सपेंड होती है 5 मेंबर में और 5 मेंबर की रिंग एक्सपेंड होती है 6 मेंबर में नॉर्मल कंडीशन पे। अब देखो, अब बात ये आती है कि 4 3 मेंबर की रिंग 4 में ज्यादा स्टेबलाइज क्यों नहीं होती। तो देखो, मैंने आपको डांसिंग रेजोनेंस पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड है ये कि ये आपकी 3 मेंबर की रिंग भाई इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो पहली बात तो देखो यार, रिंग एक्सपेंशन के लिए स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग एंगल स्ट्रेन थ्योरी बोलती है भाई, काफी फैक्टर है। देखो इसके लिए देखो, 6 मेंबर की ज्यादा स्टेबल होती है ना, इसका तो साइक्लिक कंफर्मेशन यानी कि चेयर फॉर्म में पाया जाता है और चेयर फॉर्म काफी स्टेबल होती है। एंगल स्ट्रेन थ्योरी ये बोलती है यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, इसके अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। अगर इसके अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा तो ये अनस्टेबल है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे और भी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और देखो, वैसे बोला जाता है कि 5 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है 6 से, लेकिन अगर आप बात करोगे इसके साइक्लिक कॉन्फॉर्मेशन की तो चेयर फॉर्म बनती है और चेयर फॉर्म काफी ज्यादा स्टेबलाइज होती है, काफी ज्यादा स्टेबल होती है। तो ओवरऑल यही ऑर्डर हम रखेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा भी भाई आपको मैंने हीट ऑफ कंबसन पढ़ाया था, याद करो, हीट ऑफ कंबसन भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां से भी इस पॉइंट का पता लगता है कि आपकी 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हीट ऑफ कंबसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, याद करो। ठीक है, वो कोई नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखो भाई, कंडीशन क्या है रिंग एक्सपेंशन के लिए, पहले तो हम कंडीशन की बात कर लेते हैं, है ना। तो कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन के लिए आपकी क्या कंडीशन रहने वाली है, तो उसको हम देख लेते हैं भाई, रिंग एक्सपेंशन की क्या क्या कंडीशन है। तो बस एक ही कंडीशन है भाई रिंग एक्सपेंशन की, एक ही कंडीशन है कि रिंग के डायरेक्टली अटैच, कोई भी रिंग जो लगी होगी उसके जो साथ में ही कार्बन लगा हुआ होगा, डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। रिंग के डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन होगा। और रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ कि रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैं 3 मेंबर से लेके चलता हूं। देखिए, मैं आपको ये बात पहले ही बता रहा हूं कि नॉर्मल कंडीशन पे 3 मेंबर के रिंग एक्सपेंड नहीं होती है 4 मेंबर में, नॉर्मल में। देखना कैसे भाई, एक एग्जांपल क्यों ऐसा बोल रहा हूं उसको भी समझा देता हूं। देखिए, ये हमने 3 मेंबर की ली और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या रिंग के डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है? यस। तो देखो, इसमें मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी। एक तो आप ये बना सकते हो कि आप इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर दो, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा ही मैंने आपको इसका रिंग एक्सपेंड करके बताया था। देखो, रिंग एक्सपेंशन का सिंपल सा तरीका क्या होता है, देखो जहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ उसके पड़ोस में ही पॉजिटिव चार्ज लगा दो, जहां पे पॉजिटिव लगा हुआ उसके साथ वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज लगा दो और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दो कहीं दूसरे के ऊपर, और इस पॉजिटिव को और इस नेगेटिव को ऐड कर दो। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं 1 बोलूं इसको, इसको मैं 2 बोलूं, इसको मैं 3 बोलूं और इसको मैं 4 बोलूं, तो यहां से 4 मेंबर की रिंग बन चुकी है, 4 मेंबर की रिंग बन चुकी है। और उसके बाद अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको मैं 2 बोलूं, इसको मैं 3 बोलूं, इसको 4, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब बात आती है कि देखो, अब मैंने वही बात आपको बताई कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि 3 मेंबर की रिंग 4 मेंबर में कन्वर्ट हो, क्यों? क्योंकि ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है ये आपका ज्यादा, यानी कि ये वाला फिनोमिना ज्यादा देखने को मिलता हमें यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये बोला जाता है कि नॉर्मल कंडीशन पे 3 मेंबर की रिंग 4 मेंबर में स्टेबलाइज नहीं होती है, क्यों? अरे यहाँ पे तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे तो फिर से रिंग बनेगी और फिर से आपका जो बॉन्ड है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेन फिर से रहेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती, लेकिन कब होगी जी? कब ऐसी कंडीशन अगर आपको बनती हुई दिखे भाई, देखो ऐसी कंडीशन कि ये लिया हमने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इस पोजीशन पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा और वो हाईली स्टेबलाइज होगा। क्यों होगा देखना भाई, क्या पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव लगा दूं, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लगा दूं, इस नेगेटिव और पॉजिटिव को ऐड कर दूं तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक है सर, एक बार और एक्सप्लेन करिए एक्सपेंशन वाला, अभी बहुत सारे एग्जांपल लूंगा निखिल, सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं अभी समझा दूंगा।
है, तो ये रहा, इसको मैंने बोला टू नंबर कार्बन था। अब देखो अब ये क्यों हो गया यहाँ पे एक्सपेंशन, यहाँ पे एक्सपेंशन इसलिए हो गया भाई क्यों, क्योंकि ये जो OH है ना, ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ना रिंग एक्सपेंशन के बाद, उसको प्लस एम से स्टेबलाइजेशन दे देगा। और प्लस एम से स्टेबलाइजेशन देने का मतलब है कि इस कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा भाई, इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये हाईली ये देखो चार्ज से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, ऐसी कंडीशन में नॉर्मली हमें ये देखते हैं, ऐसा ही केस 6 to 7 मेंबर में देखने को मिलेगा। नॉर्मली 6 to 7 मेंबर में रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, लेकिन अगर आपका रिंग एक्सपेंशन के बाद, ये क्वेश्चन जैम में पूछा जा चुका है, जैम 2016 या पता नहीं 18 में क्वेश्चन आया था, हाँ 16 में आया था याद है मुझे बिल्कुल, तो वहां पे पिनाकोलोन टाइप का था वो, तो इस टाइप से समझना इस चीज को, तो समझ में आई बात। तो नॉर्मल अगर यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, लेकिन होना वो प्लस एम डोनर चाहिए भाई, होना क्या चाहिए वो प्लस एम से, यानी कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे, ऐसा नहीं कि भाई प्लस आई हो हाइपर कॉन्जुगेशन हो, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए जो कि बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और स्टेबिलिटी दे। आई बात समझ में, नॉर्मल कंडीशन पे 3 मेंबर की रिंग 4 में एक्सपेंड नहीं होती क्योंकि उसे इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती नहीं है। हाँ अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है जहां पे आपका रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। आइए भाई 4 मेंबर में देखते हैं कैसे रिंग एक्सपेंशन होता है, 4 मेंबर में देखते हैं कैसे रिंग एक्सपेंशन होता है। तो रिंग एक्सपेंशन इन 4 मेंबर रिंग, देखो ये 4 मेंबर की रिंग हो गई भाई, 4 मेंबर की रिंग, ठीक है। बताइए भैया अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या रिंग एक्सपेंशन होगा भाई, अगर कोई इस कंपाउंड में आपसे कोई पूछे क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है या नहीं, देखते हैं भाई कितने बच्चे बता पाएंगे क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है या नहीं। देखो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे बना के देगा, अब आपको दिमाग यूज करना है भाई, आपको दिमाग लगाना है। यस देखिए इसमें है ना रिंग एक्सपेंशन, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे रिंग के डायरेक्टली अटैच पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नो रिंग एक्सपेंशन, नो रिंग एक्सपेंशन की यहाँ पे तो कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन वो है ग्लग भाई, रिंग एक्सपेंशन होगा। लेकिन रिंग एक्सपेंशन से पहले यहाँ पे 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी भाई, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, देखो कहा ना बहुत सारे बच्चों ने, है ना कहा ना बहुत सारे बच्चों ने कि रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी, लेकिन हुई ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि रिंग एक्सपेंशन होगी। अगर इसका फाइनल प्रोडक्ट एग्जामिनर पूछेगा ना, तो आपको पहले हाइड्राइड शिफ्ट करवाना है ना, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे भाई, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए सभी बच्चे, सबसे पहले हमने हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, हाइड्राइड शिफ्ट कामयाब रहा हमारा, क्यों, क्योंकि वहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, अभी हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं, इसका मतलब हाइड्राइड शिफ्ट यस पॉसिबल है, पहले एच शिफ्ट होगा उसके बाद एक्सपेंशन, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात कही। अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन क्यों, रिंग के डायरेक्टली अटैच पे, रिंग के डायरेक्टली अटैच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अब यहाँ पे आपको करवा देना रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। क्या करवाओगे भाई यहाँ से, रिंग एक्सपेंशन आप करवाओगे, मैंने क्या बोला था, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पड़ोस में पॉजिटिव लगा दो और दूसरी जगह नेगेटिव लगा दो, ठीक है, यानी उसी पे, यानी कि बेसिकली मतलब क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव का, मतलब ये होता कि हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर देना, बॉन्ड ब्रेक करने से पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप होता भाई, बॉन्ड ब्रेक करने से पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप होता है, इसका मतलब इतना सा होता कि ये बॉन्ड ब्रेक किया और ये वाला देखो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे देखो 1 हो गया, उसके बाद इसको आप 2 बोल सकते हो, इसको 3 बोल सकते हो, इसको 4 बोल सकते हो, इसको 5 बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या बनेगी भाई यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगी 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप 1 बोल रहे हो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, इसको 5, ठीक है। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि 1 पे मिथाइल भी लगा हुआ भाई, यहाँ पे एक मिथाइल भी लगाओ, तो ये बनाया भाई आपका रिंग एक्सपेंशन। अच्छा भाई इसके बाद कोई और पॉसिबिलिटी है, इसके बाद कोई और पॉसिबिलिटी है या बस इतना ही करके छोड़ दें, इसके बाद और भी पॉसिबिलिटी है भाई यहाँ पे। अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखोगे, अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखोगे तो आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं, तो यहाँ पे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दीजिए भाई, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट फिर से करवा दीजिए, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये वाला मिलेगा और बड़ा जबरदस्त ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अब इसके पास आप देखिए कि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये इस क्वेश्चन का मेजर प्रोडक्ट आएगा। रिएक्शन में ये चीजें काम आनी है आपको, रिएक्शन में सिर्फ इतना ही काम आएगा, देख लेना भाई बस, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर देता तो ये बात बन जाती,
अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है भाई, देखना। अब एग्जामिनर ने पूछा है कि कितनी 1-2 शिफ्टिंग हुई है इस क्वेश्चन में, बताओ भाई सभी बच्चे। एग्जामिनर ने बोला कि कितनी 1-2 शिफ्टिंग हुई है इस क्वेश्चन में, बताइए भाई सभी बच्चे कितनी 1-2 शिफ्टिंग हुई है इस क्वेश्चन में। तो देखो यार, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे 2 ही 1-2 शिफ्टिंग हुई है, 2 बार हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। लेकिन मैं आपको शुरुआत से ही ये बात कहता आ रहा हूँ कि रिंग एक्सपेंशन इज एन ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ 1-2 शिफ्टिंग। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 शिफ्टिंग हुई है। 1-2 शिफ्टिंग कितनी हुई भाई यहाँ पे? 3 1-2 शिफ्टिंग हुई है। आ रही बात समझ में? अगर आपसे बोलता कि 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कितने हुए तो फिर हम 2 कहते, है ना। अगर आपसे कहता कि 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कितने हुए तो फिर हम 2 कहते। तो ऐसे ये रिंग एक्सपेंशन होगा भाई, ऐसे रिंग एक्सपेंशन होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? काफी इंपॉर्टेंट, ऐसा ही क्वेश्चन डीयू ने पूछा था भाई, ऐसा ही लाइक दैट मेरे पास क्वेश्चन भी होगा, थोड़ी सी देर में डिस्कस कर लेंगे उसको। तो डीयू ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है डीयू में, ठीक है, 3 होगी। उसके बाद देखना भाई, अब मुझे बताना भाई एक बार, सभी बच्चे बड़ा ध्यान से सोच समझ के बताना भाई, ऐसे ऐसे ही नहीं बताना, बिल्कुल सोचना अच्छे से, उसके बाद बताना यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद बताना है क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। रिंग एक्सपेंशन भी एक 1-2 शिफ्ट है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है? तो देखिए भाई, इस मॉलिक्यूल में रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? देखो भाई, यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, जब आप इसका 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दोगे यहाँ पे पहुंचेगा, बिल्कुल शिफ्टिंग हो जाएगी। कितने मिलेंगे यहाँ पे इसको? 3 इसके और 2 इसके, 5 अल्फा हाइड्रोजन। जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। अब आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके जाओगे क्या? नहीं लेके जा सकते भाई। क्यों? यहाँ पे जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब तीसरा स्टेप यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तीसरा स्टेप यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तीसरा स्टेप यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आ सकता है, लेकिन रिंग के डायरेक्टली अटैच एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जब जाके रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, वरना रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे नो रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल, नो रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल, नो रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पे कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं है, नो रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल। यहाँ पे कोई रिंग एक्सपेंड नहीं करवानी आपको, वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, नहीं है पॉसिबल, ओनली 1-2 शिफ्ट होगा। और 1-2 शिफ्ट भी एक ही 1-2 शिफ्ट है भाई, इसकी बात भी आप ध्यान में रखना कि ओनली 1-2 शिफ्ट और 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे बेसिकली पॉसिबल है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं। अब इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई आपको, ताकि समझ में आ जाए। अच्छा भाई, ये वाली बातें हो गई, तो एक 2 और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको कहानियां समझ में आए अच्छे से। अब देखना भाई, एक बात और आ गई, 3 मेंबर में ही बता देता हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो काफी बेहतरीन है। अभी मुझे वो एग्जांपल अभी ध्यान में आ गया, तो मैंने सोचा कि बताया जाना चाहिए, ठीक है, ये रहा भाई आपका। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है? ये 3 का आ गया भाई, वापिस से मैं 3 मेंबर पे आ गया, मुझे एक और एग्जाम्पल ध्यान में आ गया, काफी बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो बताइए भाई क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है या नहीं? देखो, 3 मेंबर की रिंग है, डायरेक्टली अटैच पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए, और बिल्कुल यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कैसे है भाई? पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है भाई यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन? यहाँ पे क्यों रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है? उसका रीजन है ये स्पायरो कंपाउंड है, और आप सभी को मैंने काफी अच्छे से बताया हुआ, स्पायरो कंपाउंड अगर एक एटम पे जुड़े हुए हैं तो वो आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो एक प्लेन में नहीं होते हैं, ठीक है, वो एक प्लेन में नहीं होते। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका जो है अबव द प्लेन है, या यहाँ वाला, इसको आप डायरेक्ट से दिखाइए और इसको आप ऐसे दिखाइए, तो ऐसे केस में रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि ये कोई प्लेनर नहीं है, तो रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है इस केस में भाई। तो पॉजिटिव, पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव कर दो, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो, तो कुल मिला के अगर आप इसका रिंग एक्सपेंशन देखोगे तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल हो जाएगा भाई, ना रिंग एक्सपेंशन, देखो ये है तो ऐसी कंडीशन, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन इस तरीके से पॉसिबल हो जाएगा, और आपका इस पोजिशन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल होने का रीजन क्या है? अच्छा भाई, यहाँ पे आप कह रहे हो है, यहाँ पे आप कह रहे हो ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? तो ये देखो भाई, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ प्लेन में ही होता है, यहाँ पे पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होते हैं,
ठीक है, प्लेन में है तो यहाँ पे रेजोनेंस डोमिनेटिंग फैक्टर भी प्लेनर है, अच्छी रेजोनेंस होगी, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है कोई प्लेन में नहीं है ना, कोई प्लेनर नहीं है ये, ठीक है। तो इसके इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपका रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल हो जाएगा, अगर वो स्पायरो रिंग रही हो तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है भाई। आ रही है बात समझ में? आओ भाई आगे कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे बताना आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन भाई आपका पूछा जा चुका है एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन। तो बताइए भाई क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन आपको बताना इस केस में कि मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन क्या बनेगा इस केस में। तो आइए भाई देखते हैं, आइए भाई देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हमने इस चीज को नोट किया कि ये आपका लगी है भाई, अब यहाँ पे आपकी 5 मेंबर की रिंग लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यानी कि ये आपने यहाँ से जोड़ दिया और ये वाला बॉन्ड टूट गया है, ठीक है। सॉरी सॉरी ये क्या करें अभी, ठीक है अभी आ रहा है ना भाई, अभी आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। हाँ, वीडियो पॉज हो गई थी, यस यस यस, पर सर नेक्स्ट वाले में भी साइक्लोहेक्सेन स्टेबल होता है, कौन से में कह रहे भाई, साइक्लोहेक्सेन स्टेबल होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आप सभी को, ठीक है ना भाई, ये रहा। अब देखिए भाई अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये होगा कि ये 4 मेंबर की रिंग है और इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली, इसका मतलब यहाँ पे फिर से रिंग एक्सपेंशन करवा दीजिए, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से फिर से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इस नेगेटिव को एड कर देंगे इसके साथ। तो कुल मिला के देखो, अगर मैं इसको नंबर 1 बोलू यहाँ पे तो ये नंबर 2 हो, इसको देखो नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, इस प्रकार से। तो जब आप इसको बनाओगे प्लीज एक बार और बता दो ये वाला, ठीक है अभी बता देता हूँ, दोबारा बता दूंगा पूरा। और ऐसे ऐसे तो मैं बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन गेट में भी पूछा जा चुका है, जैम में भी पूछा जा चुका है, नेट में भी पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला ऐसे क्वेश्चन। तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि ये दोनों 5 मेंबर के बन जाएंगे भाई, यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा कि ये दोनों, हाँ अभी दोबारा से बता रहा हूँ मैं, प्रीवियस क्वेश्चन में अभी बता देता हूँ भाई, एक मिनट रुकिए। देखिए ये यहाँ पे बनेगा कुछ इस प्रकार से, देखो क्या है इसको आप ये देखिए कि ये यहाँ पे है एक, तो ये वाला कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, इन दोनों रिंग में है ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से क्योंकि ये तो बॉन्ड ही ब्रेक हो चुका है तो ये दोनों पार्ट है और यहाँ पे बीच में आपको पॉजिटिव चार्ज लगा देना है, ये इसका मोस्ट स्टेबल बनेगा। देखिए भाई मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ बिल्कुल नए सिरे से कि क्या कहानी हुई थी। तो कहानी कुछ ऐसी थी, एक और एग्जाम्पल ले लो शायद वहां से समझ में आ जाए, चलो दोबारा से बता देता हूँ। देखिए क्या था कि 2-4 मेंबर की रिंग लगी हुई थी आपके पास इस प्रकार से, 2-4 मेंबर की रिंग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लो इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले इस रिंग का एक्सपेंशन होगा क्योंकि 4 मेंबर रिंग के डायरेक्टली अटैच पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव लगा दो और साइड वाले पे नेगेटिव लगा दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे आपकी 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ठीक है। अब 5 मेंबर की रिंग बनेगी तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे, तो ठीक है। अब इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखिए, इस रिंग के रिस्पेक्ट में क्या इसके डायरेक्टली पे पॉजिटिव चार्ज है, यस, तो इसका एक्सपेंशन करवा दीजिए, पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इस नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड कर दीजिए। अगर इस नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड करोगे तो देखो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, ये वाला तो बॉन्ड है ही नहीं। अगर मैं इसको रफ करके दिखा दूं यहाँ पे आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है, अब बॉन्ड है कौन सा कॉमन, अरे देखो ये 5 मेंबर की रिंग बन गई है, ये भी 5 मेंबर की, इसका मतलब इनमें एक तो कॉमन दिखा दो यहाँ पे और इस प्रकार से यहाँ पे बीच में दिखा दो पॉजिटिव चार्ज, ये आपका इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन बनेगा, ठीक है भाई। अगर समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल लूंगा अभी थोड़ी सी देर में, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी थोड़ी सी देर में एक और एग्जांपल लिया जाएगा तो वहां से समझ लेना भाई आप, ठीक है भाई। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, ये कैसे हमने किया, तो काफी इसको डायरेक्ट याद रखना आप,
कि कभी भी अगर आपको लगे कि दो फोर मेंबर की रिंग है और वहां पे पॉजिटिव चार्ज है एक के ऊपर, है ना, एक रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वहां पे आपको क्या करवा देना है ना, आपको 2-5 मेंबर की रिंग बनाना, बीच में पॉजिटिव चार्ज दिखा देना, बस काम खत्म, है ना, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बना बना के नहीं देखना, ये चीजें आसानी से याद हो जाती है, क्यों याद हो जाएंगी, अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा तब याद हो जाएंगे आपको। अब देखिए भाई 5 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन की बात करते हैं कि 5 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन, ठीक है, 5 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन की बात करते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल है 5 मेंबर का, पहले ये देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी भाई मैं बताऊंगा कि डीयू में भी आया था। तो ये देखो 5 मेंबर की रिंग है और इसके डायरेक्टली पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करो भाई, ये ना पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव लगा दो, दूसरी जगह नेगेटिव लगा दो, है ना, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो, ये वाला तो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और पॉजिटिव चार्ज आप चाहे कहीं पे दिखा दो, पॉजिटिव चार्ज आप चाहे कहीं पे दिखा दो, तो 5 मेंबर की रिंग 6 मेंबर में एक्सपेंड हो चुकी है, 5 मेंबर की रिंग का एक्सपेंशन हो गया है 6 मेंबर में, और बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबलाइज होती है एज कंपेयर टू 5 मेंबर की रिंग। आ रही है बात समझ में, तो ये रहा भाई एक्सपेंशन। अभी मैं इसको देखना, ये है ना रिएक्शन, ये तुम्हारी जो रिएक्शन होगी ना, देखो रिएक्शन तो एक स्टेप बताएगी ऐसे कर दो, उसके बाद जो सारी कहानी चलेगी वो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की चलेगी। पहले ही बता रहा हूं मैं, जिसको रीअरेंजमेंट में दिक्कत आई उसको कार्बोकैटायन की लगभग हर रिएक्शन में दिक्कत आएगी, तो समझ लेना सभी बच्चे, ये बार बार काम आएगा आप सभी को, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखना, ये क्वेश्चन देखना भाई, सेम क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, ना बस लैंग्वेज चेंज कर दी होगी उन्होंने, ना बस लैंग्वेज तो कुछ नहीं चेंज की, पता क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था भाई, इसकी रिएक्शन बोला कि H2SO4 के साथ करवाइए, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, अगर आपको पता हो कि ये क्या, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है, अगर नहीं भी पता तो कल के सेशन में आ जाएगा, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसका काम कुछ नहीं होता, इसका काम ये होता है कि यहाँ से OH निकालता है और कार्बोकैटायन बनाता है। पहला स्टेप क्या होता है कि अगर कहीं पे भी अल्कोहल हो और वहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर आपका H पॉजिटिव दिख जाए या फिर आपका H3PO4 दिख जाए, इसका मतलब होता है वहां पे आप OH को हटा के और कार्बोकैटायन बना लीजिए। तो ये बना भाई कार्बोकैटायन। क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है? क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है? डीयू का क्वेश्चन, डीयू उन्होंने बोला था कि कितनी, डीयू 2019 का क्वेश्चन है, उन्होंने बोला था कि कितनी 1-2 शिफ्टिंग हुई है भाई, कितनी 1-2 शिफ्टिंग हुई है ये बताइए, 1-2 शिफ्टिंग कितनी हुई है। और ये क्वेश्चन मुझे बार बार याद रहता है क्योंकि मिस्टेक करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई ये बना आपका, उसके बाद देखे क्या यहाँ पे 1-2 शिफ्टिंग पॉसिबल है, यस यहाँ पे 1-2 शिफ्टिंग पॉसिबल हो जाएगी, बिल्कुल कर देते हैं भाई 1-2 शिफ्टिंग। 1-2 कौन सी शिफ्टिंग? हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। सर मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, कुछ क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है? एक बार क्लास में प्रॉब्लम हुआ है भाई, एक बार क्लास में इशू आया था, अभी बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, एक बार इशू आ गया था क्योंकि कनेक्शन वगैरह यहाँ पे जो चल रहे हैं ना, वो कल परसों तेज आंधी तूफान आया था तो उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आएंगे। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनको, है ना, कि ताकि चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये वाला हमने बनाया है ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो भाई आपका यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आ सकता है बिल्कुल, 1-2 हाइड्रेट शिफ्टिंग हुई। इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद होगा रिंग एक्सपेंशन। इसके बाद क्या होगा भाई? रिंग, देखो दो कहिए ना, अंकित ने गलत कहा, दो नहीं होगा यहाँ पे, यही तो मिस्टेक करते हैं बच्चे। और बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे उन्होंने कहा कि हम तो 2 आंसर लगा के आए हैं। मैंने कहा यार क्यों, 2 नहीं होगा यार, 4-3 आंसर होगा इसका, 3, और डीयू ने भी 3 आंसर दिया था इसका, ध्यान से देखना, है ना। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करवा दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इन दोनों को जोड़ दो, तो कितने मेंबर की रिंग बना दी भाई आपने यहाँ पे, कितने मेंबर की रिंग बना दी? 6 मेंबर की रिंग बना दी। ये आपका ये रहा और ये आपका पॉजिटिव चार्ज रहा, ठीक है। बल्कि डीयू ने तो इसका आंसर भी बना के दिया था, प्रोडक्ट बना के दिया था डीयू ने इसका, क्वेश्चन पहले ये लैंग्वेज लिखी, फिर उन्होंने आंसर भी दिया था कि ये इसका आंसर है। अब देखो बच्चे कह रहे हैं कि 2 बार शिफ्टिंग होगी, यही तो गलतियां कर रहे हो ना, 2 बार नहीं होगी यार, 3 बार होगी, कैसे होगी, तीसरी कहां से होगी? देखिए तीसरी यहां से होगी भाई, 1-2 शिफ्टिंग हुई, उसके बाद रिंग एक्सपेंशन हुआ और उसके बाद फिर से हाइड्राइड शिफ्ट होगी, फिर से हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे फिर से आप 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाइए, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बोकैटायन, इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। और उन्होंने जो प्रोडक्ट होता है ना डिहाइड्रेशन में, क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से आपका एच पॉजिटिव निकल जाता है बाद में, ठीक है, एच पॉजिटिव निकल जाता है और बाद में एल्कीन बनती है भाई, क्या बनती है यहाँ पे याद रखना, डिहाइड्रेशन फलकोल में। और डीयू ने तो ये प्रोडक्ट भी बना के दिया था बस, कि ये प्रोडक्ट है भाई इस क्वेश्चन का,
डीयू ने ये प्रोडक्ट बना के दिया था कि ये प्रोडक्ट है, बताइए कि आपका यहाँ पे तो कितनी कितनी 1-to-shifting हुई है। उन्होंने 1-to-shifting वर्ड यूज किया था कि कितनी 1-to-shifting, टोटल तीनों का, दो हाइड्राइड शिफ्ट, वन रिंग एक्सपेंशन, एक शिफ्टिंग के बाद एक्सपेंशन होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये डीयू ने इसका आंसर भी दिया था और सब कुछ दिया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 3 आएगा भाई। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को काफी बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। रिंग एक्सपेंशन समझ लेना भाई, रिंग एक्सपेंशन बड़ा आसान है, रिंग एक्सपेंशन। उसके बाद देखना भाई, एक और एग्जांपल यहां पे डिस्कस करता हूं। देखो अगर ऐसा आ जाए, ऐसा आए कभी भी, देखो वैसे तो अब आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए इसका, ठीक है। आपको क्या बताना चाहिए इस क्वेश्चन का, डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। अगर कभी भी ये आ गया, इसका मतलब क्या कर दो, इसका मतलब क्या करना है यहाँ पे, इसका मतलब सिंपल सी एक बात करनी है यहाँ पे कि 2-6 मेंबर के रिंग बना दो और उनके बीच में पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। 2-6 मेंबर के रिंग दिखा दो और उनके बीच में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, है ना। आ रही है ना बात समझ में। 4 मेंबर की थी तो 2-5 मेंबर की बना दी, वहां पे दोनों का रिंग एक्सपेंशन होगा। अगर आप कहते तो मैं इसको बना के दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एक्सपेंशन, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाओगे। ये वाला बॉन्ड ये कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं कनेक्ट होंगे, गलत दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस प्रकार से ये कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या बनेगी यहाँ पे भाई, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो देखना इसको अगर मैं बना के दिखाऊं, आपको खुद समझ में आ गई होगी कहानी, वैसे तो बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, फिर भी देख लेना भाई एक बार। देखो ये रहा, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके बाद इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इन दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ से इस प्रकार से। अगर जोड़ोगे तो ये दोनों को मना रहा, इसका मतलब ये वाला बन जाएगा भाई। इसके बाद तो यहाँ पे कितनी बार रिंग एक्सपेंशन हुआ भाई, तो यहाँ पे 2 times रिंग एक्सपेंशन हुआ, 2 times रिंग एक्सपेंशन हुआ। तो मेरे हिसाब से रिंग एक्सपेंशन आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। ये ज्यादातर यही क्वेश्चन यूज किए जाते हैं और यही आपका जो है क्वेश्चन बनेंगे भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनते हैं। तो आ रही है बात समझ में भाई, है ना। अगर ऐसा कुछ आ जाए भाई, देखना एक बात और यहाँ पे, ये वाली पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। एक आपके पास 4 मेंबर की रिंग आ जाए और एक आपके पास 5 मेंबर की रिंग आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो क्या बनेगा भाई, बस कुछ नहीं करना, जो 4 मेंबर की रिंग है उसको 5 मेंबर की रिंग बना दो, उसको 5 मेंबर की रिंग बना दो, ठीक है, उसको 5 मेंबर की रिंग बना दो, और जो 5 मेंबर की रिंग थी उसे 6 मेंबर की रिंग बना दो और बीच में पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। तो इस प्रकार से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा भाई, इस प्रकार से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये आपका रिंग एक्सपेंशन का टॉपिक हो गया भाई, रिंग एक्सपेंशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब बात याद की, 5 मेंबर की हमने पढ़ ली, 4 मेंबर की पढ़ ली, 3 मेंबर के केस देख लिए, अब 6 मेंबर का भी एक्सपेंशन होता है क्या? 6 मेंबर का एक्सपेंशन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है, ठीक है। तो 6 मेंबर का एक्सपेंशन, देखो भाई अगर हम बात करें कि 6 मेंबर का एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, तो नहीं होता भाई नॉर्मल कंडीशन पे। नॉर्मली 6 मेंबर रिंग इज नॉट एक्सपेंड, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहो, नॉर्मली 6 मेंबर रिंग नॉट एक्सपेंड, ठीक है सर। एक 5 मेंबर और एक 6 मेंबर में, एक 5 मेंबर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो होगा या क्या नहीं, एक्सपेंशन नहीं होगा, आशुतोष नहीं होता, ठीक है, नहीं होगा। देखिए अगर नॉर्मली 5 एक आपका 5 मेंबर, एक मिनट देखता हूं आपने क्या बोला कि एक 5 मेंबर है और एक 6 मेंबर है, ठीक है, एंड जनरली नहीं देखा जाता यार, ऐसा कुछ होता तो नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक ही केस यहां पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, वही है रहा। देखो नॉर्मली 6 मेंबर रिंग नॉट एक्सपेंड होती है यहां पे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं, एक्सपेंड ना, एक्सपेंड की स्पेलिंग गलत लिख दी शायद मैंने, एक्सपेंड, ठीक है। अब देखिए भाई, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं, जैसे ये वाला केस रहा, ठीक है, ये वाला केस आपका आया भी था भाई, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पूछा गया था भाई डी जैम 2000 में ना, जैम 2000 कुछ ईयर में आपका पूछा गया था। यहाँ पे शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन बना के दिया था हमने कि यहाँ पे 2 PH लगाए थे, यहाँ पे OH लगाया था और यहाँ पे भी एक OH लगाया था, बोला था कि इसका मेजर प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और इसकी रिएक्शन करवाई गई थी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये वाला जो क्वेश्चन आपका, ये DU में भी पूछा जा चुका है, DU ने 5 मेंबर की रिंग में पूछा था, जैम ने 6 मेंबर की रिंग में। देखो अब देखो यार, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन देखो, ये जैम का ही क्वेश्चन है,
तो जैम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछा जा चुका है, शायद 2016 में पूछा था, आप देखिएगा पेपर उठा के आपको जरूर मिलेगा। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना कि कैसे कन्वर्ट करता हूँ। वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो, लेकिन इसी क्वेश्चन को देखना, मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे इतनी सी कर दिया कि ऐसा कुछ लगा हो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका OH लगा हो। तो अगर देखो, अब आपको देखिए कि जब आप रिंग एक्सपेंशन करवाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के प्लस एम से स्टेबलाइज हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के प्लस एम से स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। लेकिन वही कहानी आगे भाई, बस बात ये याद रखनी है कि रिंग एक्सपेंशन 6 मेंबर की रिंग जब 7 मेंबर में कन्वर्ट होगी, जब आपका एक्सपेंशन के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आए वो आपका ऑक्सीजन से स्टेबलाइज हो, वो आपका किससे स्टेबलाइज हो, वो आपका ऑक्सीजन से स्टेबलाइज हो, तब जाके ये वाली पॉसिबिलिटीज वहां पे पॉसिबल हो सकती है, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल रिंग एक्सपेंशन होगा पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये वाला तो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो देखो इसको 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7, तो यहाँ पे आपकी 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी भाई, ठीक है, ये 7 मेंबर की रिंग बन गई है। और यहाँ पे देखो, अगर ये 1 बोल रहे हो इसको 2, तो इसको मैंने 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला, 5 बोला, 6 बोला, 7, और 7 पे ऑक्सीजन ने उसने अपना लोन पे डोनेट किया हुआ, तो यहाँ पे बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका जैम में, बस इसी को चेंज कर दिया गया था। अब देखो इस क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या था, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन यूज किया गया था। अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं, वैसे देखिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बड़ा आसान है जो मैंने लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो देखिए बड़ा आसान है, सारा खेल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन एंड रीअरेंजमेंट का है, सारा खेल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन एंड रीअरेंजमेंट का है। यहाँ पे 2 pH लगे हुए हैं और यहाँ पे एक OH लगा हुआ है। पहला फंक्शन तो ये है भाई, किसका डिहाइड्रेशन करोगे, कहाँ पे इस कौन से OH का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोक्टाइन कहाँ पे बनेगा, है ना, एक साइट आपके पास ओनली O पर ही होगा सर, ओनली O नहीं मतलब NH2 हो सकता है, यहाँ पे NH2 हो बात बन जाएगी, यहाँ पे कोई भी ऐसा हो जो प्लस M के थ्रू मेसोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे और उसको आपका कार्बोक्टाइन को ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, पूरे कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, है ना, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही हो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कह रहे होंगे शायद आपके, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, देखो अरे देखो इसको ऐसे समझो भाई, जैसे इसने डोनेशन किया यहाँ से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, अब यहाँ से एच पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, एच पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो नेगेटिव देके जाएगा, इसलिए इसको सी डबल बॉन्ड ओ ही लिखा जाता है, ये एक रिएक्शन का ही पार्ट होता है, इसलिए इसको सी डबल बॉन्ड ओ ही लिखते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसको मैं डिटेल में करवाऊंगा भाई, अभी मुझे ये क्वेश्चन ध्यान में आ गया तो मैंने इसलिए करवा दिया, ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में, तो कोई डाउट नहीं। देखो सबसे पहला आपका पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये आपका कार्बन नंबर 1 है मैं मानूं और ये कार्बन नंबर 2 है, कहाँ पे कार्बोक्टाइन बनाओगे, तो भाई पहले पे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे दो दो फिनाइल रिंग का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब भाई हम यहाँ पे कार्बोक्टाइन, ये पिनाकोल है भाई, ये इस रिएक्शन का ही नाम होता है पिनाकोलोन, पिनाकोल इस टाइप से आप समझ सकते हो पिनाकोल, ठीक है, जो भी आप समझना चाहो समझ सकते हैं इसके। देखिए भाई इसको बड़ा सिंपल है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाया हमने कार्बोक्टाइन, ये वाला कार्बोक्टाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ से निकाला, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन, क्या हो जाएगा भाई, रिंग एक्सपेंशन प्लस एम मतलब प्लस एम पर होगा, हाँ डोनेशन, बैक डोनेशन जो अपना लोन पेयर देके और उसको स्टेबलाइज कर दे वहां पे, ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या करोगे भाई, यहाँ इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इन दोनों को जोड़ दो, 7 मेंबर के रिंग बना देना, ठीक है, सॉरी भाई थोड़ा सा ठीक बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये आपकी 7 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 pH लगा रहे, देखो pH, ये pH किस पे लगी हुई, कार्बन नंबर 1 पे, तो ये कार्बन नंबर 2 मानोगे, इसका मतलब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लगा होगा, ये क्वेश्चन था भाई आपका जैम का। अगर यहाँ पे 5 मेंबर की होती है, फर्स्ट पे कार्बोक्टाइन ज्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट पे कार्बोक्टाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये जैम का ही क्वेश्चन था भाई। अरे देखो कुछ नहीं है भाई, बस जिस बच्चे को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन आता है
या फिर जिस बच्चे को आपका है ना रीअरेंजमेंट समझ में आ गया, री एक्सपेंशन समझ में आ गया है ना, और वन टू शिफ्टिंग, वन टू फिनाइल मिथाइल सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी क्वेश्चन को जैम 2018 में डीयू सॉरी जैम में नहीं डीयू 2018 में पूछा गया था भाई, इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दी गई थी। अभी आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा है ना। देखो जैम ने थोड़ा सा अच्छा पूछा क्योंकि बच्चों को तो नॉर्मली बस ये डीयू का क्वेश्चन है, डीयू ने कुछ नहीं किया, जहां पे 5 मेंबर की रिंग थी ना वहां सॉरी वहां पे 6 मेंबर की रिंग थी ना 5 की कर दी। अब बच्चों ने क्या किया हुआ इसमें कि इसका एक्सपेंशन नहीं करवाया हुआ, उन्होंने यहाँ पे ये पॉजिटिव दिखा बस, इसका ऐसा ही कुछ बना के एक प्रोडक्ट दे रखा हुआ उन्होंने 6 मेंबर का, वैसे ही उन्होंने कर दिया हुआ। लेकिन भाई मैंने आपको बता दिया कि ऐसे अगर कंडीशन है तो ये क्वेश्चन था भाई डीयू 2018 का, यहाँ पे एच पॉजिटिव दिया था तो कहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लिखना तो क्या लिखोगे? मैं तो डायरेक्ट आंसर अब इसका ये लिखूंगा, मैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना के टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं बिल्कुल। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया भाई। किसी बच्चे को अगर समझ में ना आया हो इतनी बात तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में सर अनसैचुरेटेड सिस्टम में रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल होगा क्या, अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब, अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब क्या कहने चाह रहे हो? देखिए अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब क्या कहना चाह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। शायद आप मुझसे ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो कि भाई ऐसा कुछ एग्जांपल आ जाए कि ये 4 मेंबर की रिंग हो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या रिंग एक्सपेंशन होगा? नो रिंग एक्सपेंशन, कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है। नो रिंग एक्सपेंशन कैसे रिंग एक्सपेंड करोगे भाई ना, कैसे इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे? डबल बॉन्ड को पॉजिटिव आ गया नेगेटिव आ गया, अब जोड़ोगे किसको? 5 बॉन्ड बन जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कभी भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, रिंग एक्सपेंशन नॉर्मल इन्हीं तरीके से होगा जो मैंने आपको बताया है, ये कोई तरीका नहीं होता है रिंग एक्सपेंशन का, ठीक है भाई। किसी भी स्टूडेंट को किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए भाई, किसी भी स्टूडेंट को किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई आपके एग्जाम में है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर होगा भाई अभी सभी बच्चों को। तो रिंग एक्सपेंशन समझ में आई, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 6 मेंबर की रिंग नॉर्मल कंडीशन पे नहीं जाएगी 7 मेंबर की रिंग में, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में जा सकती है। इसी प्रकार मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए थे 3 मेंबर रिंग वाले है ना, ऐसा कुछ हो। अच्छा भाई एक आशुतोष ऐसा पूछना चाह रहा था मुझे, ये आशुतोष ने कुछ ऐसा पूछा था, उसको भी डिस्कस कर लेते भाई आशुतोष ने जो पूछा था, ताकि उसका भी शायद डाउट क्लियर हो जाए। कि उन्होंने बोला कि एक हमारे पास 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है, इस प्रकार से एक हमारे पास 5 मेंबर की रिंग है और एक इसी के साथ लगी हुई हमारे पास 6 मेंबर की रिंग है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या रिंग एक्सपेंशन होगा क्या? देखिए भाई रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे केस में रिंग एक्सपेंशन नहीं पॉसिबल होगा भाई, नो रिंग एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि ये तो स्पायरो टाइप का कंपाउंड नहीं है भाई, ठीक है, नो रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पे तो कोई रिंग एक्सपेंशन होना ही नहीं है फर्स्ट केस में, तो ये कोई स्पायरो भी नहीं है, अगर स्पायरो हो तो है ना, तो मेरे हिसाब से स्पायरो हो तो भी नहीं होगा भाई है ना, अगर वो स्पायरो है इस प्रकार से दिया गया है तो भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि जनरली यही है भाई वहां पे क्या कि इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं है, ठीक है ना। आप दोनों की कहानियां समझिए, दोनों की कहानियां समझिए कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होने का कारण क्या है कि 3 मेंबर के रिंग में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, वो चाहता तो है एक्सपेंड करना लेकिन उसको एक और फिनोमिना है जो ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है, ये वाला डांसिंग रेजोनेंस उसको ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है। तो सर अनसैचुरेटेड बॉन्ड सीसी बॉन्ड में नहीं होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा निखिल, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो लेकिन ऐसे यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन आपको नहीं करवाना है इस केस में भी, तो यहाँ पे भी नो रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल है, आप 7 में कन्वर्ट करके उसको डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हो, ठीक है, उसको डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे भी बेसिकली हम कहेंगे कि नो एक्सपेंशन। हाँ एक कंडीशन पे एक्सपेंशन हो सकता है, यहाँ पे देखना भाई कैसे एक्सपेंशन हो सकता है यहाँ पे, कि बोलेगा एक क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपको, बताना सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का आंसर बताना भाई क्या आएगा, कि ये कहानी उसने लिख दी है यहाँ पे, ये कहानी उसने लिख दी है, यहाँ पे OH आ गया है, यहाँ पे भी आपका O, यहाँ पे PH लगा दिया साथ में, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा सुंदर बना देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे दिखने में, कि यहाँ पे फिर से OH लगा दिया और यहाँ से फिर से PH लगा दिया और इसकी रिएक्शन करवा दी एच पॉजिटिव के साथ, ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप आपका क्या बनेगा, पहले आप यहाँ से इसको निकालोगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता भाई देखो, और ये क्वेश्चन मैंने कहीं से देखा नहीं, मुझे एकदम माइंड में आया तो मैंने सोचा करवा देता हूँ मैं, ये रहा भाई। इसके बाद यहाँ पे आपने बना दिया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आपने बना दिया है पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है ना, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज,
अब देखो भाई, अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है रिंग एक्सपेंशन? क्योंकि यहाँ पे जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो इस बॉन्ड को आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे। एक मिनट, नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, क्योंकि आपका जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। इस केस में भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा और यहाँ पे नो रिंग एक्सपेंशन भाई, ठीक है ना? तो यहाँ पे नो रिंग एक्सपेंशन, तो यहाँ पे कोई भी रिंग एक्सपेंशन होने वाला नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे OH होता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, है ना? यहाँ पे OH होता तो वो पॉसिबल नहीं। सैचुरेटेड में होगा मतलब सर ओनली रिंग एक्सपेंशन, यस सैचुरेटेड में होगा भाई, ठीक है? आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो यहाँ पे भी कोई रिंग एक्सपेंशन होने वाला नहीं है, आप यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं करवा सकते, ठीक है भाई? आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा भाई, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूँ आप सभी बच्चों को, इसका देखना भाई, रिंग एक्सपेंशन का। फिर मैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर आ रहा हूँ भाई, फिर मैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर आ रहा हूँ। ये आपको बुक में मिल जाएगा, जो जिसका नेम मैंने आपको बताया हुआ उस बुक में भी मिल जाएगा आपको ये वाला क्वेश्चन। इसका बताइए भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं यार, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, वो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, उसको मैं एक बार देखता हूँ बुक से, ठीक है? बुक से देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सर स्पायरो और ब्रिज कंपाउंड में नहीं हुआ, ठीक है? तो भाई मैं एक मिनट इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको कि क्या कैसे बनेगा वो। एक और क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन ध्यान में आया मुझे, उसका थोड़ा एक बार मैं देख लेता हूँ, कोई अच्छा सा मुझे मिले उसके बाद मैं आपको वो करवाता हूँ। मैंने देखा जरूर था वो क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, और मैंने एक दो टेस्ट में भी डाला था ऑलरेडी MSc एंट्रेंस वालों के। तो वो बाकी डिहाइड्रेशन जब पढ़ा दूंगा तो वहाँ पे बहुत सारे जबरदस्त एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में तो आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, वो भी काफी अच्छा एग्जाम्पल था, यूनिक सा एग्जाम्पल था। यस यस, ये था भाई, सॉरी सॉरी, अभी ध्यान में आ गया, यस ये वाला। देखिए भाई, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखना सभी बच्चे ध्यान से कि क्या इसका आपको बनाना है और क्यों बनाना है। देखिए ये रहा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन, आपको बताना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन, बताइए कि इसका मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन बताना भाई, बताइए सभी बच्चे क्या हुआ इस क्वेश्चन का मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन। सर वीडियो रुक रही है? नहीं यार, चल रही है वीडियो तो, यार वीडियो तो नहीं रुक रही अभी तो, जब रुकेगी मुझे भी दिख जाती है, अभी तो चल रही है भाई, कुछ कोई रुकावट नहीं है, ठीक है? तो देखो यार, सीधी सी बात है, ये स्पायरो टाइप का सिस्टम बन गया, वही सिस्टम बन गया, इसका मतलब इसका एक्सपेंशन करवा दो। सबसे पहले इसका एक्सपेंशन करवाओगे, इसका एक्सपेंशन कैसे? यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव, इस पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो, तो सबसे पहला जो यहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाओगे वो कुछ इस प्रकार का बनाओगे, यहाँ पे चार मेंबर की रिंग बन जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बाकी सारा सेम। एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने रिंग एक्सपेंशन या कितनी 1-2 शिफ्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिंग एक्सपेंशन। ओवरऑल अगर आप फाइनल इसका प्रोडक्ट देखोगे ना, ओवरऑल अगर आप इसका फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये भी फोर मेंबर, सॉरी ये भी आपका फोर मेंबर में कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक है? ये भी आपका फोर मेंबर में कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक है? ये भी आपका फोर मेंबर में कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक है? ये भी फोर मेंबर में कन्वर्ट हो गई होगी, ये भी फोर मेंबर में कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक है? तो यानी कि कुल मिला के जो आपकी पांचों रिंग है वो फोर मेंबर में स्टेबल हो गई होगी। ये कुछ इस प्रकार से आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन बन जाएगा, ठीक है? आ रही है बात समझ में? इसके बाद भी तो आगे बढ़ सकता है भाई, है ना? इसके बाद भी तो कुछ, एक बार देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऐसे ही बनेगा ना ये, ठीक है? आ रही है बात समझ में? क्या इसके बाद भी आगे बढ़ सकता है क्या ये? क्या इसके बाद भी आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? होनी चाहिए भाई बिल्कुल। तो इसके बाद की पॉसिबिलिटी तो ये रहा भाई, अभी इस रिंग के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पे आ गया तो ये फाइव मेंबर में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? इस प्रकार से ये पूरा प्रोसीजर चलता रहेगा, लेकिन एक बार हम इसको यहीं तक बना देते हैं। मैं एक बार ध्यान से इसको देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है,
जैसे ये 4 मेंबर में कन्वर्ट होगी, ये 5 में जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ वही मैं कहूँ ना कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा भाई, ठीक है। इसको आप बना के देखना, बन जाएगा इजिली। समझ में आया भाई आपको? वीडियो पॉज तो नहीं हो गई ना, बताइए भाई समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया फटाफट से बताइए भाई आपको। ये आ जाएगा भाई इसका, हम देख सकते हैं इसके बना के, इसको इस पॉजिटिव को देख लेना यार, मुझे इसको आप बना बना के देखना तो हो जाएगा, ये आगे एक्सपेंड नहीं होगी। एक बार तो इतनी तक जाएगी कि ये सारी आपका 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसमें मैंने कार्बन 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ठीक है। पॉजिटिव देख लेना बस, वही कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है या कहाँ पे आ रहा है उसको देख लेना, ठीक है। आ गया ना, तो इसको एक बार देख लेना। मैं इसको दोबारा भी करवाऊंगा, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाऊंगा, इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ी है अभी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। किसकी बात करते हैं भाई? रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सर स्पायरो और ब्रिज कंपाउंड में होगी कि नहीं होगी RE? अरे भाई स्पायरो में होगी, बिल्कुल स्पायरो में होगी, स्पायरो में होगी, बिल्कुल हो जाएगी। एक्सपेंशन होनी चाहिए ना सर, एक बार और एक्सपेंशन होनी चाहिए ना, हो सकती है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये 4 मेंबर की रिंग है, 5 में कन्वर्ट होगी, एक्सपेंशन हो सकता है, फिर से एक्सपेंशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करेंगे, क्रॉस चेक करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन, तो इसको मैं क्रॉस चेक करूंगा भाई, बताऊंगा आपको, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, एक बार इसको बना के देखने पड़ेगा मुझे, अभी एकदम से ध्यान में आया तो मैंने ये वाला बना दिया इस प्रकार से। इसमें हो सकता है कि कोई थोड़ी बोटी चेंज करने पड़े, इसको मैं दोबारा करवाऊंगा पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए भाई रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या भाई? रिंग कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगी ना? मान लो एक 7 मेंबर की रिंग है, एक 7 मेंबर की रिंग है, वो 7 मेंबर की रिंग 6 मेंबर में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 6 मेंबर की ज्यादा स्टेबल होती है, 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि कोई 4 मेंबर की रिंग है तो वो 3 मेंबर के रिंग में जाना चाहती है, क्यों जाना चाहती है? क्योंकि 3 मेंबर में जाने के बाद उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज़, उसको डांसिंग रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। डांसिंग क्या 6 मेंबर की रिंग 5 में कन्वर्ट होगी क्या? कॉन्ट्रैक्ट होगी क्या? नहीं होगी भाई। क्या 6 मेंबर की 5 में कन्वर्ट होगी? नहीं होगी, हो सकता कोई इशू आ जाए वहां पे, है ना। तो ये वाली बात है भाई, तो कुछ केस में आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर आपको यही दो पॉसिबल केस मिलेंगे कि 7 मेंबर की रिंग से 6 मेंबर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, 4 मेंबर की रिंग 3 मेंबर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, तो ये रही भी बात। उसके बाद है कि कंडीशन क्या होती है भाई, तो कंडीशन क्या होती है इसके लिए? कंडीशन तो कंडीशन ये होती है कि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ऑन दी रिंग, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो पॉजिटिव चार्ज आपका रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिंग, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तब जाके वहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है, तब जाके वहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कैसे भाई? कोई एक एग्जांपल दे दें, तो ये रहा भाई आपका एग्जांपल, देख लो कि ये आपकी 4 मेंबर की रिंग है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा देना है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कैसे होगा भाई देखना, ऐसे होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, है ना। अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको 3 मेंबर की रिंग नजर आ रही होगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा होगा। तो इसकी अगर मैं इस वाले की बात करूं तो यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं था, ये ज्यादा स्टेबल नहीं था, लेकिन अब ये वाला जो है, ये वाला जो कंपाउंड है वो डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज है, डांसिंग रेजोनेंस पॉसिबल है, जो कि आपका 4 मेंबर के रिंग में पॉसिबल नहीं थी, तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन ये है कि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, अगर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग एक्सपेंशन होगा, सॉरी रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो एक ये एग्जांपल लिया मैंने इसका,
उसके बाद मैं एक और 7 मेंबर का एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे होता है रिंग एक्सपेंशन, सॉरी रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये 7 मेंबर की रिंग ली भाई, 7 मेंबर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता है इस बात का कि 7 मेंबर की रिंग नॉर्मल कंडीशन पे अनस्टेबल होती है, तो वो 6 में कन्वर्ट होना चाह रही होगी, ठीक है ना, तो वो 6 में कन्वर्ट होना चाह रही होगी। तो इसको देखो भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, इसके पड़ोस में पॉजिटिव और इसके पड़ोस में नेगेटिव, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग बना दो, 6 मेंबर की रिंग बना दो और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसे बोलेंगे हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे भाई? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो काफी केस में आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन की भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन ये आपका क्या भाई? रिंग कॉन्ट्रैक्शन ये भी आपका रीअरेंजमेंट का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि रीअरेंज करने के बाद कार्बोक्टेन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये भी आपका मोर स्टेबल है भाई, ये आपका मोर स्टेबल है, यहाँ पे आपका ये मोर स्टेबल है, इसीलिए ये सारा फंडा हो रहा है भाई, इसीलिए ये आपका सारा फंडा हो रहा है। तो ये वाली बात आपकी आ गई, ठीक है भाई। किसी भी बच्चे को कोई इश्यू है तो बता दीजिए, पूछ लीजिए, कोई भी बात समझ में ना आई हो तो इसी क्वेश्चन को देखना कैसे पूछा जा सकता भाई, इसी क्वेश्चन को देखना। 7 मेंबर के रिंग को, ये 7 मेंबर के रिंग बना दी यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, और आपसे बोला कि बताइए मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टेन, इसका आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन बनाना भाई, मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन बनाना है। तो कैसे बनाओगे भाई? तो बड़ा सिंपल सा फंडा लगाना है अपने को, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा फंडा लगाना है कि सबसे पहले तो 6 मेंबर के रिंग में कन्वर्ट कर दो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवा दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके बाद करवा दो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद क्या करवा दो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो। तो यहाँ पे हमने 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से चलेगी भाई ये कहानियां इस प्रकार से चलती हैं। मेरे हिसाब से आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बात समझ में ना आई हो, कोई भी इश्यू है तो पूछ सकता है आज की क्लास में। कल से हम भाई मेजर चीजें स्टार्ट करेंगे अच्छी अच्छी, तो कल से आपका रिएक्शन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कल हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्टाइन और उसकी कुछ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो कल के बाद आपको मजा आएगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस कर लेनी है रिंग एक्सपेंशन की, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की, एक बार अच्छे से 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग की, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन की प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, फिर आपको सब कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन यानी कि रीअरेंजमेंट का पार्ट कंप्लीट हो गया भाई, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। कल से हम इसके रिएक्शन पार्ट पे फोकस करेंगे। आज तो क्लास थोड़ी सी डिले हुई, कल वाली क्लास थोड़ी सी लंबी लेंगे, ज्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे, कल ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहीं पे आप समाप्त करेंगे। सर मेरे को स्पायरो और ब्रिज कंपाउंड में रिंग एक्सपेंशन में डाउट है। मतलब निखिल कैसे कह रहे हो आप स्पायरो और रिंग एक्सपेंशन, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या? देखो भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि ये मैंने एक 4 मेंबर की रिंग ली, ठीक है, और एक 4 मेंबर की रिंग, सॉरी यहाँ पे कुछ ऐसे ली भाई, ये रही, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा? ये कह रहे हो बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा यार, बिल्कुल होगा यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन। देखो अगर मैं रिंग एक्सपेंशन, ये स्पायरो ही है ना, ये स्पायरो ही है, ठीक है, ये स्पायरो, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है भाई, करवाओ रिंग एक्सपेंशन। कैसे करवाओगे भाई? इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, इसको आपने ऐड कर दिया, ये वाला तो बॉन्ड ही टूट चुका है, ठीक है, ये तो बॉन्ड ही नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ पे बॉन्ड दिखेगा भाई? अब आपको ये वाला बॉन्ड हटा दो, तो यहाँ पे क्या बनेगी? देखो इसको कुछ आप ऐसे देख लिया करो, अगर आपको समझ में ना आए तो, यहाँ पे ऐसे का ऐसा है ये, ठीक है, ये ऐसे का ऐसा है, ये ऐसे का ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, ये ऐसे का ऐसा था और यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया कुछ इस प्रकार से, ये वाला बॉन्ड बन गया है। कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे? ये पॉजिटिव चार्ज आपने दिखा दिया, तो क्यों नहीं पॉसिबल होगी भाई? बिल्कुल पॉसिबल होगी। कितने मेंबर की रिंग बन गई भाई, कितने मेंबर की? उसके बाद देखो 1-2-3-4-5-6-7, अब देखो 7 की बनेगी तो पॉसिबल नहीं है, अगर 7 की बनेगी तो पॉसिबल नहीं, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि 7 मेंबर की रिंग बन रही है। अगर 7 मेंबर की रिंग बनेगी तो फिर वो कहानी आपकी नहीं, 7 की थोड़ी नहीं बनेगी यार, 7 की थोड़ी नहीं बनेगी, ये आप देखो ना, ये दोनों, तो ये बॉन्ड थोड़ी नहीं ब्रेक हुआ है, इसका अगर इसको मैं 1 मान रहा हूँ, इसको मैं 2 मान रहा हूँ, इसका 3, इसका 4, यहाँ पे तो ये बॉन्ड है ना एज इट इज, यहाँ पे तो ये बॉन्ड है, ये बना भाई, बिल्कुल है, इसका मतलब ये तो बन गया ये, अरे इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है, ये बना, बिल्कुल पॉसिबल है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल पॉसिबल है, ये रहा पॉसिबल हो गया भाई। हाँ अब आगे एक्सपेंशन नहीं होगा इसमें, अब आगे एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि 5 मेंबर रिंग पे आ गया, तो ये बनेगा भाई इसका मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये बनेगा भाई। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है भाई कोई बच्चा,
अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूछ लीजिए। तो हो रहा है भाई एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन हो गया इसका, इसी प्रकार से आप करवा सकते हो। ब्रिज हेड की बात करें, ब्रिज हेड पे कोई एक्सपेंशन की कहानियां नहीं होती यार, ब्रिज कंपाउंड पे कोई कहानी नहीं है ऐसी रिंग एक्सपेंशन की, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है भाई, एनी डाउट, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? सर फास्फोरस और सल्फर में से कौन सा कार्बोक्टाइन ज्यादा स्टेबल करेगा? फास्फोरस और सल्फर में से कौन सा कार्बोक्टाइन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? सल्फर और फास्फोरस में से कौन सा कार्बोक्टाइन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? फास्फोरस को करना चाहिए भाई, ठीक है, वो मैं कन्फर्म तो नहीं हूं लेकिन फास्फोरस को करना चाहिए जो कंसेप्ट कहते हैं। लेकिन भाई वहां पे एक और अलग कहानी रहती है। देखिए वहां पे देखो, एक आप मान लेते कि ये कुछ ऐसा कंपाउंड है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे फास्फोरस लगा हुआ, ठीक है, मान लेते कि PCl3 लगा हुआ, PCl3 लगा लेते हैं, एक आपका CH2 है और यहाँ पे आपका कोई सल्फर वाला कंपाउंड लगा हुआ SF4 लगा हुआ, मान लो कि कौन सा ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? तो देखो यार, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो डोनेशन देगा, उसके बाद डोनेशन के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद डोनेशन के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सल्फर या फास्फोरस? सल्फर की ज्यादा होती है, तो सल्फर पे तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा डोनेशन के बाद, ठीक है, तो इसलिए इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि फास्फोरस डोनेशन अच्छा होगा। दूसरा में होगी सर, एक कार्बोक्टाइन विच इज नॉट एडेड इन अ कंप्लीट कोर्स ऑफ लाइफ, ओके, इट इज अवेलेबल नाउ, अभी करवाता हूं मैं, ठीक है सूर्या, अभी करवाता हूं मैं उसको अपलोड, ठीक है। वो क्या होता है कि इसमें अपलोड हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें अपलोड होने, करवा देता हूं मैं, अभी हो जाएगी थोड़ी सी देर में, ठीक है भाई, आ रही है बस समझ में? लेकिन 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 और कुछ नहीं है, यही कहानी बस। मेरे हिसाब से फास्फोरस आना चाहिए, बट आई एम नॉट कन्फर्म, मैं कन्फर्म नहीं हूँ क्योंकि काफी चीजें, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो बताना मुझे, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मे भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर बताना, ठीक है। तो अभी मैं बेसिकली इसको नॉट कन्फर्म कह रहा हूँ, ठीक है। तो भाई कल से हम इसका रिएक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे, और आपकी ये जो बेसिक चीजें हैं, रीअरेंजमेंट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, इनका बार बार यूज होगा, तो इनको आप काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्लास में अभी के लिए इतना, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।